दोस्तों, स्वागत है आपका खास खबरें आपका अपना न्यूज चैनल। देश और दुनिया की खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और लेटेस्ट खबरें सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना न भूले। आप सभी को पता होगा कि नोटबंदी हुए काफी साल हो चुके हैं। आज हम आपको उन 500 और 1000 के पुराने नोटों के बारे में बताने जा रहे हैं जो नोटबंदी के बाद बंद कर दिए गए थे। आप सभी को याद होगा कि नोटबंदी के बाद 500 और 1000 के नोट बदलवाने के लिए लोग धड़ल्ले से बैंक में आ रहे थे, जिसके बाद 500 और 1000 के पुराने नोटों का पहाड़ जमा हो गया था। एक अनुमान के मुताबिक बताया जाता है कि अगर 500 और 1000 रुपये के नोट की गड्डियां ऊंचाई में रख दे तो एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई से 300 गुना वह ऊंचाई प्राप्त कर लेगी। बैंक में जमा हो जाने के बाद यह नोट सिर्फ एक कचरा थे, जिसके बाद आरबीआई ने इन नोटों को कटर मशीन में डालकर नष्ट कर दिया था। आरबीआई ने कहा कि अगर यह नोट किसी गलत हाथों में पड़ गए तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से समय रहते इन नोटों को कटर मशीन में नष्ट कर दिया गया था।